आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन पेमेंट कैसे करें, फ्लिपकार्ट पर एटीएम कार्ड से पेमेंट कैसे करें या फिर फ्लिपकार्ट पर डेबिट कार्ड से पेमेंट कैसे करें। दोस्तों, अगर आप फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं और अगर आप एटीएम कार्ड की मदद से पेमेंट करना चाहते हैं और अगर आपको मालूम नहीं है एटीएम कार्ड की मदद से पेमेंट कैसे किया जाता है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, एटीएम कार्ड से पेमेंट करने के लिए सबसे पहले जो है आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। सो यहाँ पे हम फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद मैं आपको कोई भी एक जो है प्रोडक्ट पे ऑनलाइन पेमेंट करके दिखाता हूँ, एटीएम कार्ड से पेमेंट करके दिखाता हूँ। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक जो है फ़ोन है और इसको जो हम एटीएम कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आपको कोई भी सामान एटीएम कार्ड से जो है पेमेंट करना है तो सिंपली आपको उस प्रोडक्ट को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने आ जाता है। अब यहाँ पे सिंपली आपको जो है बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का पेज जो है आपके सामने आ जाएगा। सिंपली आपको स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे जो है एटीएम कार्ड से पेमेंट करना है, तो यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन है पेमेंट करने का। लेकिन अगर आपको जो है एटीएम कार्ड से, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है, तो यहाँ पे यूपीआई से जो है आपको हटा करके सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सिंपली आपको कंटिन्यू का जो बटन देखने को मिल रहा है इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा और थोड़ा देर के बाद कुछ इस प्रकार का जो है पेज आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कार्ड नंबर, जो आपके एटीएम कार्ड के ऊपर 16 अंक का जो नंबर होता है, सिंपली आपको वो नंबर यहाँ पे डाल देना है। सो एग्ज़ाम्पल के लिए जो है हम यहाँ पे कोई भी एक नंबर डाल देते हैं। मैं यहाँ पे सही सही नंबर नहीं डाल रहा हूँ, आपको अपना सही सही एटीएम कार्ड का नंबर डालना है। एटीएम कार्ड का नंबर दोस्तों जैसे आप डाल देते हैं, उसका यहाँ पे वैलिडिटी डेट आपसे पूछेगा। तो दोस्तों एटीएम कार्ड के ऊपर जो है एक वैलिडिटी डेट होता है। सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका डेट हो सकता है जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि महीना का कोई डेट हो सकता है और जो है साल का कोई डेट हो सकता है। सो यहाँ पे जो हम यहाँ पे कोई भी जो है एक डेट ले लेते हैं और ईयर में जो हम यहाँ पे 2028 ले लेते हैं। कुछ इस प्रकार से जो है आपके एटीएम कार्ड के ऊपर जो डेट होगा एक्सपायरी डेट, तो आपको वो वाला डेट यहाँ पे डाल देना है। उसका दोस्तों सिंपली यहाँ पे एक CVV नंबर होता है। तो यहाँ पे CVV नंबर होता क्या है, आप जो एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं उसको पलटना है आपको और यहाँ पे 3 अंक का एक नंबर आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो वही वाला जो है CVV नंबर, आपको 3 अंक का जो नंबर होता है आपको वो नंबर डाल देना है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे CVV नंबर डाल देते हैं, उसका सिंपली आपको पे पे क्लिक कर देना है। दोस्तों पे पे क्लिक करने के बाद आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर जो भी आपका बैंक से है, आपके एटीएम कार्ड से, उस पर एक OTP आएगा। सिंपली दोस्तों आपको अपना OTP डाल देना है और दोस्तों आपका पेमेंट हो जाएगा। और दोस्तों पेमेंट होने के बाद आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। मैं फिलहाल यहाँ पे ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है यहाँ पे कोई भी सामान मंगवाना नहीं है, मैं आपको सिखाने के लिए वीडियो बनाया है। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।